ओके नेक्स्ट, तो यहाँ पे एक न्यूज़ मिली है कि इंडिया इज रिपोर्टेडली आस्किंग व्हाट्सएप टू रिजर्व अ कंट्रोवर्शियल चेंज टू इट्स प्राइवेसी पॉलिसी। बेसिकली इंडिया की तरफ से यहाँ पे रिक्वेस्ट करी गई है कि जो व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी पॉलिसी जो उन्होंने लाया था 2021 में, और जिसके लिए इतनी सारी हाइप क्रिएट हुई, आई थिंक सबको पता है अभी इसके बारे में कि क्या चल रहा है। और यहाँ पे इंडिया की तरफ से रिक्वेस्ट करी गई कि इसे रिवर्स करा जाए, यानी कि जैसा था पहले वैसा ही रखा जाए। हालांकि मुझे लगती नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है। मेरे ख्याल से इंडिया को डेफिनेटली GDPR जैसा कुछ रूल लेकर आना चाहिए, इंडिया में प्राइवेसी लॉज लेके आना चाहिए, और वो ऐसा कुछ अभी है नहीं इंडिया में, तो पता नहीं क्या होने वाला है। बट डेफिनेटली उस तरफ जा रहे हैं लगता है मुझे पर्सनली हम लोग, क्योंकि बहुत सारे ऐप्स बैन हुए इस साल, और इसके बाद ये व्हाट्सएप प्राइवेसी के लिए इतनी बड़ी मतलब हाइप क्रिएट हुई, न्यूज़ आ रहे थे, आर्टिकल्स पे आर्टिकल्स छप रहे थे, उसके साथ साथ सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा शेयर कर रहे थे। बाय द वे, मैंने एक वीडियो बनाया है एक्सप्लेन करते हुए कि व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी में क्या होने वाला है, आपको व्हाट्सएप डिलीट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो वो आपको मेन चैनल पे दिख जाएगी टेक कंज्यूमर पे। अगर ये वीडियो पहले पब्लिश होती है तो मैं मतलब वो वीडियो ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी होगी, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हो डिटेल में। तो पर्सनली मेरा ओपिनियन अगर आप पूछेंगे कि ऐसा मुझे लगता है, क्या मुझे लगता है कि ऐसा होगा या नहीं, तो मैं मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है। मेरे ख्याल से अगर जेन्युइन लॉज लेकर आएंगे इंडिया, जैसे कि GDPR, तो डेफिनेटली कुछ हो सकती है। और मैं डेफिनेटली उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब इंडिया भी एक प्राइवेसी लॉ क्रिएट करेगी जो कि उतनी ही पावरफुल होगी जैसे कि GDPR, CCPA वगैरह है। तो डेफिनेटली मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ, और तब तक के लिए तो बस हम दुआ ही कर सकते हैं।